अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो नया दिन नया व्लॉग और है आज तारीख 12 नवंबर 2022, सुबह के 9:18 हो रही है और हम निकल चुके हैं हमारे डेली हसल के लिए। और डेली हसल में आप सोच रहे होगे अनीस भाई आज 1 घंटा लेट क्यों, तो हमने काम अलग चालू कर दिया है दूसरा, इसलिए अपने चालू बहुत सारी चीज़ें करते हैं पर मेन क्या है कि उसको अंजाम तक लाना, मेन अंजाम तक पहुंचाना मेन है भाई। धंधे हो तुम कितने भी चालू कर लो, कितने भी धंधे चालू कर लो, कितने भी कार्यक्रम चालू कर लो, बट अगर उसको एंड तक या उससे प्रॉफिट नहीं उठा पा रहे हो आप सालों साल तक, तो आपका ये धंधा कोई मतलब का नहीं है। टेम्परेरी धंधे क्या करते, कोई नहीं करता, कोई पसंद ही नहीं करता कि टेम्परेरी धंधा हो किसी का। सब चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म धंधे हो, लॉन्ग टर्म बिजनेस विद लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। ऐसा तो अपने ने भी एक काम शुरू कर दिया है जिसमें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जल्ले शानू उसमें हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट देंगे, क्योंकि वो ऐसा धंधा है जिसमें लॉस ही नहीं है। ओह, तो तुम सोच रहे होंगे क्या अनीस भाई, क्या हम ही मिले क्या सुबह सुबह आपको के धंधे में लॉस ही नहीं है? बोले हर धंधे में लॉस होता है, ये थियरी है बिजनेस की, दिस इज़ बिजनेस माय बॉय। तो हम पर हम थोड़े अलग ना, हमने ऐसा बिजनेस चुना ही नहीं जिसमें सारा लॉस हो, सिर्फ प्रॉफिट वाला चलेगा ना आपको? अरे वो बिजनेस बहुत भारी बिजनेस है, दिस इज बिजनेस माय बॉय बिजनेस, ऐसा। तो वो बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई नुकसान नहीं, सिर्फ नफा ही नफा है, नफा, आहा, फायदा, प्रॉफिट, मनी मनी मनी, बस ऐसा है। तो इंसान तो लालची रहता है ना, तो हमने एक ऐसा धंधा किया है शुरू जो सुबह हमने सिर्फ सोचा है कि सुबह 2 घंटा जरा अपने लगाएंगे, बोले 2 घंटा लगाएंगे और पैसा ही पैसा होगा ऐसा। तो 2 घंटे में पैसा ही पैसा क्या होएगा? बोले अनीस भाई ऐसे तो क्या धंधे चालू कर दिए बोले तुमने। तो अनीस भाई बहुत होशियार आदमी है, वेरावल वाला मेरा एक व्यापारी है। अनीस भाई तुम बहुत होशियार हो, होशियार? मैं बोला हाँ, कैसे? बोले बोले तुम ही सारी मलाई खा जाएंगे क्या? मैं बोला ऐसा थोड़ी भाई, देखो आदमी होशियार रहना ही चाहिए, सीधी बात है, दिस इज बिजनेस माय बॉय बिजनेस, ऐसा। तो हमने क्या बिजनेस शुरू किया उसके बारे में आपको सुन के एक वो उत्सुकता हो गई होगी अब तक, जैसा मैंने पहले इलास्ट्रेट किया उसको, तो मेरे हिसाब से आपको उत्सुकता तो बहुत होगी क्या अनीस भाई ऐसा तो क्या बिजनेस आपने चालू कर दिया जिसमें साला लॉस ही नहीं और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और 2 घंटे में बोले पैसा ही पैसा होएगा। ये वो काम है जो बड़े बड़े नबियों ने किया, और ये लास्ट उम्मत को ही मिला है, समझ लास्ट, जो आखिरी उम्मत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हाँ उसी उम्मत को मिला है नबियों वाला काम, समझ रहे? ये नबियों वाला काम है, अच्छी बातों का हुक्म और बुरी बातों से रोकना। तो हमने ये नियत करी सुबह सुबह जाके लोगों के पास जाके उनकी आजिज़ी और एहतराम में हम जाएंगे और बोलेंगे भाई कि भाई अच्छे काम किया करो, ऐसा किया करो बुरी बातों से। बट ये क्यों कर रहा हूँ असल, देखो न्यूटन्स के मैं थर्ड लॉ पे इतना वो अफेक्शन है मेरे को कि वो न्यूटन्स का थर्ड लॉ मेरी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत ज़्यादा अभी इफेक्ट कर रहा हाल फिलहाल में। तो वो न्यूटन्स का लॉ मेरे दिमाग में बैठ चुका है, स्टक हो गया है कि भाई एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो न्यूटन्स दादा मेरे दिमाग में बैसी गया थे, वो मेरे दिमाग में बैसी गया थे, समझ रहे? मतलब बैठ गए अपने दिमाग में, उनका जो लॉ है ना, तो वो लॉ को फॉलो करते करते हम करना चाहते कुछ अलग ऐसा। तो वही वो नबियों वाले काम में हम लग चुके हैं, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, हाय हाय, समझ रहे? तो अपने वही काम में लगे हैं जो काम के लिए, हाँ, मूसा अलैहि सलाम ने कहा था ए अल्लाह मुझे वक्त का नबी ना बना, हमें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा कर दे। अरे तो हम खुश नसीब हैं,
हम खुश नसीब है, हम सारे के सारे खुश नसीब है भाई, हम सारे के सारे बहुत खुश नसीब है कि अल्लाह ने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया और हमें नबियों वाला काम दिया। हाँ, अच्छी बातों का हुक्म, बुरी बातों से रोकना, उन वक्त के नबियों ने रिक्वेस्ट कर डाली, मतलब समझ रहे हमारा मकाम कितना ऊंचा होएगा, समझ रहे उम्मत मोहम्मदिया का मकाम, सिर्फ सुनो समझो कितना बड़ा मकाम है। हाँ, तो ये बिजनेस है भाई, बिजनेस इसको सही से करो, इसमें वक्त लगाओ और इसमें जरा नीयतें दुरुस्त करके चलो, ऐसा नीयतों पे दारोमदार है मेरे भाई, जैसी नीयत वैसी बरकत बोले। हाँ, तो यही बिजनेस है नया मैंने शुरू किया है, अच्छी बातों का हुक्म और बुरी बातों से रोकने वाला काम, उसमें मैं सुबह सुबह 9 बजे तक करूँगा। अल्लाह अमल की तौफीक दे, इस्तकामत दे, असल इस्तकामत है कंटिन्यूस काम करना, है ना। कोई आदमी बिजनेस शुरू करता है तो बंद नहीं कर देता है, हमेशा लगता है मेहनत करता है, कोई नया इनोवेशन करता है, तो हमें कोई इनोवेशन नहीं करना, हमें तो वैसा ही काम करना है जैसा बताया ऐसा। तो अच्छी बातों का हुक्म भाई, ऐसा भाई वैसा भाई, इंटरेस्ट वाला काम छोड़ दो, बोले सूद वाला काम छोड़ दो भाई, किसी को गाली गलौज मत करो भाई, सिला रहमी किसी के साथ कता ताल्लुक मत करो, सिला रहमी करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा अच्छा सलूक करो, ये सब बातें यही सिखानी है और खुद भी सीखनी है। असल तो खुद के लिए है ना भाई, अपने असल खुद के लिए, अब जितना भी दूसरों को समझाएंगे तो खुद के लिए बोलेंगे ना, अनिश भाई खुद के लिए कर रहे ले, खुद के लिए ही करते हैं बोले, खुद के लिए ही करते जाओ, जब तक वो बोलेंगे ना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ऐसा तो ऐसा ही है भाई मेरे, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ऐसा जब तक अनिश खुद को बदल नहीं लेता तब तक अनिश ये काम करता रहेगा। तो यहीं बात ख़त्म करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।